नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम कली सीनियर रिपोर्टर महोबा से हूँ। आज मैं कुलपहाड़ कस्बे में हूँ, वार्ड नंबर 4 में। आप मेरे पीछे देख ही रहे होंगे कि कच्चा डेरवाड़ बना हुआ है और यहाँ पर टीन भी छाई हुई है, जो कच्चा मकान है। ये जो कच्चा मकान है, ये कच्चा मकान के रहने वाले लोगों का आरोप है कि हम लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नाम भी आ गया था, लेकिन हम लोगों के से पैसा मांगा जा रहा है। तो चलिए उन्हीं लोगों से जानते हैं कि किस तरह का पैसा और किस तरह की घूसखोरी चल रही है। तो आइए जानते हैं। ये देखिए, ये है, ये दीवार है, ये मकान है। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? हमारा कड़ूला नाम है जी। बैठ जाइए, घर का भी सबसे बड़ा जी। बैठिए। हमारे टिंगरी तरफ तक बहुत ज्यादा जी। कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं के, 4 नंबर वार्ड के जी। क्या समस्याएं हैं? ये समस्या है कि 1.5 साल हो गए हमारे आवास को, एकदम पैसे नहीं है तो कहाँ से नहीं बताए। 3 टप्पड़ में रहते, पानी वो रखते थे, भी छूटा है, भी बच्चों का है, हमारा कुछ भी नहीं। हर देर आते हैं उनकी, अब आ जाएगा आवास मारो, अब आ जाएगा, कोई आवास पता ही नहीं। कौन मांगता है पैसा? पैसा मांगता है जो राके लुवा के लाता है, जी के संग हम जी के पहचानते नहीं है कौन है, जी है कि कौन है। राकेश कौन है? राकेश यही के संग वार्ड नंबर 4 नंबर के ब्लॉक मेंबर जी। जी कितना पैसा मांगता है? अभी 1,000 तो ले गया जी, और 2,000 रुपया और मांग रहा है। हमारे पास है नहीं है तो कहाँ से दें हम? राकेश कौन है? राकेश ये अपनी बिरादरी है, सब रहता है। तो किस चीज के पैसे मांग रहा है? आप पता किस चीज के पैसे मांग रहा है? आपने 1,000 रुपए दे दिया है। हाँ, 1,000 रुपए तो किस चीज के लिए दिया है पैसे? फोटो वालों आएगा खींचने के लिए, तो उसको देना है। अब देने के लिए ये लगे, हम मैं था नहीं, ये बुढ़िया थी घर में। कब दिया है? कब दिए थे? आज कुल देना होगा, 2 महीना होगा, 2-3-4 महीना होगा, 2-3 महीना होगा जी। महीना साढ़ आवास के लिए आपका नाम आ गया है? हमारा कोई आवास कोई पता ही नहीं है, आना है या नहीं आना है। पैसे दो अपने कहाँ से दें पैसे? रहने के लिए हमें नहीं है, बच्चे हमारे दिल्ली में पड़े हुए हैं। क्या करते हैं आप लोग? हम कुछ नहीं करते हैं, बूढ़े आदमी, हमारे हाथ ही काम नहीं करता यहाँ जी। तो इसीलिए आप मकान नहीं बनवा सकते हैं? अब कैसे बनवा दिए, हमारे हाथ में ताकते नहीं है, हमारे ना उठे बैठ ना बैठा ना मत दी लाख रह गए जी। कैसे मकान में रहते हैं, किस तरह के मकान है आपके? जी गई ऐसी तो मकान है जी, पड़ा है जी। कुछ बताएंगे जी? चद्दर हम देख लिया से मैं रह रहे। कहाँ है चद्दर? जिलों के चद्दर तोड़े, देखो जी टूटे फूटे हैं, जी चू रहे यहाँ, बताओ हम कहाँ लेटे कहाँ पर। फिर क्या करते हैं, कब से हैं ऐसे घर? ऐसे तो होगा कम से कम साल भर हो गया, ऐसे 12 साल भर हो गए, ऐसे में रहती रहती। उनकी आवाज आ गई 1 महीना में आ जाएगी, तुम्हारा आवाज 15 दिन में आ जाएगी, अभी तक 1 महीना 15 दिन होता है जी। तो क्या करें, तो हम तो कुछ ना कुछ करेंगे जी। तो जैसे आपका 1,000 रुपए ले भी गए हैं, अभी पैसे भी मांग रहे हैं, तो आपने उनके शिकायत कुछ कार्रवाई किया? नहीं करी कुछ, नहीं हमने कुछ कार्रवाई किया, हमें विश्वास है कि चलो आ जाएंगे क्या पैसा भी लगता है? क्या पैसा तो ऐसा है जी कि अब बोना पैसा दो तो आ गए, और नहीं तो बैठ का है जी, बैठे झरे में बैठे रहा। अब यहाँ बता दीजिए, मिट्टी गिर रही, हमारा खाना रन भर, हम अपने बच्चन के कमरे में रहते हैं, अब बे आने वाले हैं तो फिर कहाँ रहेंगे, फिर इसमें आ जाएंगे। तो आपने देखा जो यहाँ के रहने वाले कड़ोरी लाल हैं, उनका किस तरह से बयान है कि हम लोग टीन छा कर रह रहे हैं, हमारी बैठने तक की जगह नहीं है, जिससे हम लोग या दूसरों के घर में और या फिर अपने ही घर में
ऐसे रहते हैं, और यहाँ पर जब बारिश होती है तो जो ये टीन छाई हुई है इसमें भी पानी गिरता है। तो चलिए उनकी कुछ पत्नी है, उनसे भी हम बात करेंगे कि आखिरकार ये जो पैसों वाला मामला है ये किस तरह से मामला है और क्यों पैसे मांगे रहे हैं। वैसे तो सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को ही आवास दिए जा रहे हैं, पर जहां तक देखा जाए तो उन गरीबों तक ये योजना का लाभ नहीं मिल पाता है। जो बीच की बिचौली है वो ही पैसे ले देकर और समाप्त कर देते हैं। तो जी ऐसे कुछ आपको है क्या अनुभव कि जिनके कच्चे मकान नहीं है पक्के मकान हैं उनके भी आवास आए हुए हैं? जी चले जाओ उनके घर पर देख लो, जो ठाड़े थे पछाड़ो। कितने के कितने उनकी बता दे हम, जितने उनके ठाड़े हैं कैसो मकान जिनकी बने हैं वो आवास आ गए उनके। जी जिनके एक 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 के दो लड़का था दो के आवास आए, उनकी मम्मी है तो उनके पास जो है वो बे है का नाम बे आवास योजना का जो बेबी है, है और हमारे पास कहते हैं हमारे तीन लड़के जो नहीं है हमारे यहाँ जगह नहीं है। जी माता जी यहाँ जगह नहीं है, तो बाप को आवास लो बच्चा को आवास लो मताई को लो। जी तो ये जो दादा हैं कड़ोरी लाल दादा जी, उनका कहना है कि कुल पहाड़ में ऐसा ही सिस्टम चल रहा है कि जिनके मकान बने हुए हैं और उनके दो दो मकान तीन तीन मकान आ रहे हैं, और जिनके रहने की जगह नहीं है मकान नहीं है उन्हीं के आवास नहीं आ रहे हैं। तो चलिए अब हम उनकी पत्नी से भी जानेंगे। मुंह बांधो इधर 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 अरे बांध लो ये तौलिया। कहाँ नाम है भाई? हम आशा मित्री। कहाँ की रहने वाली हैं? बाहर के। जी क्या कहना चाहती हैं? हम जो कहने चाहते हैं कि हम गरीब आदमी मजदूरी हमारी लगती नहीं है और हमें रहने को मकान दो, नहीं तो हम जनता आदमी हम मरें कि जिए कि कहाँ जाएंगे, हम तुम्हारे साथ भरोसे हैं। अब बताओ बच्चे किसी के खवाते नहीं खवाते और भगाते हैं तो हम कहाँ जाएंगे रोड पे। जी क्या क्या आपके और भी मकान है पक्के बने हुए हैं क्या? कहीं नहीं है, यही बकरी है, ये कच्चे ही मकान है जहाँ पर रहती है। क्या क्या दिक्कतें होती हैं कच्चे मकान में? अगर मजूरी नहीं लग रही आप मकान भी नहीं बना पा रहे हैं तो किस तरह की मुसीबत? जी बूढ़े आदमी हम हो गए, दो दो तीन तीन ऑपरेशन हो गए, हम जी मारा से जी गए तो अब हम अपने हाथ पांव थक गए, हम कहाँ से बनाएंगे। जी हाँ अगर मकान होता तो क्या सुविधाएं होती है आपकी? मकान होते हैं तो जय शब्द होती है कि हम अपने मकान में लेटे बड़े तरह से खाना खाए, कहूँ से मजदूरी करें लाख पहनिया बहुत लड़का से मांगे वही मकान में खाए और काम ही जाए हमारे उनके बच्चे खिलाए तो दो रोटी दे हैं तो अपने मकान में तो रहें घसोड़ के तो ना फेंके घसोड़ के तो नहीं फेंके बच्चा। अगर हम तुम्हारी मजदूरी करें तुम्हारे बच्चे खिलाए तो तुम दो रोटी जरूर दे है ना, और जो हमें रहने के ठगा नहीं है और खाने को ठगा नहीं है तुम्हारे बच्चे ना खिलाए तो हमें कौन खिलाएगा? तो क्या कहते हैं फिर बच्चे? बच्चे जी कहते हैं कि अब जो कुछ मजदूरी करके ले आते हैं तो भैया हम खाएंगे इस होटल में खिलाएंगे, जब तो हम खिलाएंगे तो पाओगे। कब से मांग कर रहे हैं आवाज की? हाँ मैं तो कम से कम 4-5 साल हो गए भारत और फार्म हम आया नहीं भाई जी आते हैं पता नहीं बीच में का हो जाए और सारी मोहल्ल में तुम पता कर लो सबके दो दो ठगिया आवास है और रहने के ठग्गा है तो अभी मकान आते हैं। जी अब हमारा मकान होते बेटा तो हम तुम्हें काहे के कहते क्यों मकान की ज्यादा मांग कर रहे हैं 4 साल से? मांग कर रहे हैं हमें तो पता है कि हमारे घर में पैसे मंगाते थे जब भी हमें पता हो गया है, नहीं तो हम तो फार्म डाल देते तुम्हारे घर से रहते कि आ है हम वही में अपने राजी हैं कि चलो आ है तो सरकार का सब पुखे है और सबको आवे जी हम तो ये सोचते हैं। कितने पैसे मंगाते हैं? पैसे मंगाते हैं वे 4-5 हजार रुपए मंगाते हैं, जो को गाते सो पैसे दो हमारे पास में हम बनवाओ चाहे न बनवाओ जो डरो।
कम मंगाए हैं पैसे? अरे आए थे ऐसी फोटो ले गए, सुन फोटो खींच ले गए, कागज आगज ले गए, 1,000 रुपया ले गए। तुमने दाओ तो? हमने दाओ तो। की का दाओ तो? अब वो पता नहीं है कि कौन आओ तो फोटो वालो, राकेश है तो साथ में। राकेश वार्ड मेंबर? हाँ जी, उन्होंने उन्होंने दिवाया था। हाँ का 3 के पैसे दे दो सुजे आहें आवास बोलो आहें जी, तो भी फार्म ले गए थे, पैसे भी ले गए थे, हम वही में आशा में रह गए कि चलो भैया मजदूरी करके जाए कहूँ से, तो तुम ले लो हमारे बने के मर गया तो हो जी। अब जब भी पैसे नहीं लौटे, भी फार्म वाले नहीं आए, कब नहीं आए, तो हम कहाँ बताओ। आपने शिकायत नहीं किया है? हमने किसी के शिकायत नहीं करी बेटा, ना हम बुराई चाहत किसी से, हम तो जो सोचा कि हम बात सबको बने सरकार हमें के खबा है। अब जैसे लगवाई दो ठाई के 3 ठाइया अब वो नहीं खा लें, अब वो खा भी आ गो, अभी हम भी नहीं मरी दवाई खा रही तो बुखार आ जी। अब जाए के हमें को कह दे को तो जाने से बुद्धि आदमी हम ही चले जा। कितना परेशान है बिना आवास के? बहुत परेशान है हम तो बेटा, देखो ये तो मट्टी नहीं मिल रही, कहूँ छापे के कहूँ से मुड़ी पे धर के मट्टी ले आ, तो जैसे छापे ली पे रिश्तेदार हित नातेदार आते हैं तो हमारे कहाँ बैठे कहाँ उठे और कहाँ बैठा दिए उन्हें, कहाँ बैठा दिए बताओ। आप पड़ोस की? पड़ोस की नहीं था जी, घूमने आने धोती लगा जी बैठी पाऊंगे मुई अच्छी। क्या क्या नाम है आपका? कुमारी। क्या नाम बताया था आपको? तो सावित्री। सावित्री की किस तरह के मकान है? आप पड़ोस की हैं तो आप तो जानती होंगी कि किस तरह के मकान बने हुए हैं। कच्ची घर वाली जी, जी। इनका लगता है कि इनका आवास बनना चाहिए? बनना चाहिए। लड़का बच्चा बेकार घर बच्चा पालत का धर उन्हें भी कहाँ से इतने बना ले, बहुत मुश्किल में का पाऊं के नहीं है ना, आज के लोग आ कच्ची मकान है। बूढ़े आदमी का झुकाने लगने उनके बच्चे भी हैं, बच्चे भी हैं, चार दादा बिटिया से हैं, लड़का बच्चा है, पर ये सारे नौकरी पा गई वो तो ब्याह करे उनके की घर का काम बना जी, बताओ गरीब आदमी तो ऐसे लोग ना होते तो कहां जी बना दी कहां लेती, ऐसे लोगों को बनना चाहिए। बनना चाहिए आपका भी सुझाव है। क्या नाम बताया था? कुमारी। नाम कुमारी, पड़ोसी है जी। दीदी क्या नाम है आपका? हमारा अमृति। आप इनकी सावित्री की कौन है? हम की बहू। बहू है? बड़ी बहू है हमारी जी, घर होते ही बना। ककिया सास है हमारे। ककिया सास है। इनके कैसे घर बने हैं? जिन बनी कच्ची कच्ची बनी, सो अब जो इनका फिर आता है लीपे पोते घर में लगो कहाँ जी डोकार के बहुए रात तो सबको कैसे आती है, लड़का चप्पा लेंगे इनके घर मकान बनाए बताओ तो, मैं जब सबको दो हमारा दे दो कमरा को बस ऐसा ही होता कि नहीं होता जी, बन बुसूस रहन तो लगे कम से कम। क्यों नहीं मिल पा रहा है, क्या कारण? पता है आपको मिला सरकार सबको दस सब सबको दे दो, कौन कौन तुम्हें कहता है सब खाए दो दाई एक दौती कहीं दे दो सो तुम्हें गुजारो को हो जाए, सरकार की फायदा सबको मिल जाए, कौन तुम आदिर घास है सबको कहा तुम कर दो सरकार सबको बने। तो आपने देखा ही होगा कि हमने बात किया जिनके कच्चे मकान है, और कुछ पड़ोसियों से भी बात किया कि इनकी किस तरह के मकान है। वैसे तो प्रधानमंत्री अपने नाम से आवास योजनाएं चलाई है, पर अगर देखा जाए तो जिन जो पात्र हैं उनको नहीं मिल पा रहा है। कारण क्या है? कारण ये भी पता चल रहा है कि पैसे मंगा रहे हैं। एक बारी मंगाया था यहाँ के जो वार्ड मेंबर थे उन्होंने मंगाया था तो 1,000 रुपये दिया था, और भी 4-5 हज़ार पैसे मंगा रहे हैं, कहते हैं कि हमारे खाने के लिए तो है नहीं है और हम उनको कैसे पैसे दे दें। इसी यही कारण साफ झलक रहा है कि शायद है कि जिन लोगों से पैसे मिल रहे हैं उन्हीं लोगों को आवास मिल रहा है, भले ही ये कहें सरकार के थ्रू है कि जिनके एक कच्चे मकान होंगे वो छत के नीचे सोएंगे और उनको ही लाभ मिलेगा, पर ऐसा कुछ यहाँ पर दिखने को नहीं मिलता है। जिनके मकान है